नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने तिगड़ी फार्म बीच के प्रगतिशील किसान अनिल दीप महल के फार्म हाउस पहुंचकर कृषि उत्पादकों की जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने ब्लैक चावल से बनी खीर के साथ ही पीले तरबूज का स्वाद चखाया। जिलाधिकारी ने काले चावल से बनी खीर के स्वाद की भरपूर प्रशंसा की और तरबूज की भी तारीफ की। प्रगतिशील कृषक अनिल दीप सिंह महल ने बताया कि कृषि भूमि पर रंग बिरंगी भिंडी, गेहूं में काली मोटी, काली बारीक, पर्पल ब्लू गेहूं, चावल में नीली जामुनी, काला चावल, भूटानी रेड और निर्वाणा रेड, रक्तशाली, तिलक चंदन आदि अनेक फसल का उत्पादन किया जा रहा है। क्षेत्र में जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं श्री अनिल दीप जी, उनके फार्म का मैंने भी निरीक्षण किया, तो उन्होंने जितने भी सीरियल्स हैं इसकी बहुत तरह तरह की वैरायटीज़ यहाँ पे लगाई हुई हैं और ख़ासकर कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं धान की जो 2000-3000 साल पुरानी है, जो यहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स उन धान का इस्तेमाल करते थे। और दूसरी चीज़ है कि ये खेती को मतलब ऑर्गेनिक शब्द तो एक छोटा शब्द हो गया, नेचुरल फार्मिंग की ओर ले जा रहे हैं ताकि जो हम लोग कंज्यूम करें वो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो और जो हमारी सॉइल है उसकी उर्वरक क्षमता भी मेंटेन रहे और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर कदम बढ़े। जिलाधिकारी चमोली ने यात्रा मार्ग सुधारीकरण, रेन सेल्टर, घोड़ा पड़ाव निर्माण कार्यों सहित यात्रा मार्ग पर बिजली, पानी, शौचालय एवं साफ सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड प्रदेश द्वार पर बना रोडवेज बस स्टैंड अपनी बदहाली का आंसू बहा रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में यात्री अन्य राज्यों के आवागमन के लिए इसी रोडवेज बस स्टैंड पर वाहनों के इंतजार में खड़े रहते हैं। नेशनल हाईवे फॉर लाइन बनने के बाद भी यात्रियों की भीड़ में इजाफा हुआ है और बाईपास बनने से अधिकतर यात्री दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित दूर दराज शहरों तक सफर करने के लिए यात्री बस स्टैंड पर आते हैं, लेकिन मंगलौर बस स्टैंड पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। भीषण गर्मी के चलते यात्रियों को घंटे धूप में ही खड़ा होकर बस का इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों के लिए बैठने के लिए सीटें तक उपलब्ध नहीं है, पेयजल उपलब्ध नहीं है, शौचालय भी पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, ना ही महिलाओं के लिए कोई सुविधा है। उच्च अधिकारियों को हमने डिमांड भेज दी है और क्योंकि ये पीछे जो कोरोना काल में ये यहाँ से जो है डैमेज कर दिया था यहाँ का फर्नीचर और उसकी डिमांड भेज दी गई है और जीएम साहब ने जो आश्वस्त किया कि जल्दी यहाँ से भेज दिया जाएगा। सावन मास के दौरान नीलकंठ में लगने वाले कांवड़ मेले को लेकर पौड़ी जिला प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। डीएम और एसएसपी पौड़ी ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। शामली में बुलडोजर चलने के दौरान किसान की मौत से जुड़े मामले में पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। जयंत चौधरी ने पीड़ित परिवार से मिलकर बातचीत की और पूरा मामला संज्ञान में लिया और परिवार के साथ मिलकर संवेदना व्यक्त की, सरकार को किसान की मौत का जिम्मेदार ठहराया। बहुत दर्दनाक एक घटनाक्रम हुआ है और ये एक नंगा नाच है। एक अहंकारी सरकार जो दमनकारी नीति अपना रही है, क्रूरता का परिचय दे रही है। सरकार कभी क्रूर नहीं होती, सरकार के शरण में समाज लोग जाते हैं, बचाव के लिए लोग जाते हैं। लोग चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से हमारे काम हो, विकास हो, निर्माण हो। निर्माण तो करा नहीं पा रहे और जो वर्षों से निर्माण हैं बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी चीज़ को संज्ञान में लिए, बिना कोई नोटिस दिए बुलडोज़र भेजे जा रहे हैं। अब गाँव में भी बुलडोज़र आके तोड़फोड़ करेंगे। सोमवार को एक मासूम बाग में अपनी परिजनों का साइकिल पर सवार होकर खाना लेकर जा रही थी। इस दौरान तहसील रोड पर गोमती नगर गेट के पास पहुंची तो तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने साइकिल सवार मासूम को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वो ट्रक के नीचे आ गई जिससे ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिसके बाद महज 500 मीटर दूर सरकारी अस्पताल भी वो नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही दम तोड़ दिया। समरी में दूसरे समुदाय के होटल मालिक के माहौल खराब करने की कोशिश नजर आ रही है। हिंदू देवी देवताओं के फोटो वाली अखबार की रद्दी में मांसाहारी बेचते पकड़ा गया होटल संचालक। हिंदुओं की भावना भड़काने का आरोप है। सोशल मीडिया पर विरोध के बाद पुलिस हरकत में आई। मथुरा में टू हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। एक्सीडेंट होने के बाद मौके पर ही उनकी मौत हुई। कई घंटों तक जाम लगा रहा, परिजनों ने शव को रखकर NH-22 जाम कर दिया। कई घंटे जाम लगा रहा। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत का यह पूरा मामला है। थाना जैत के अंतर्गत नगला सुमेर में यह हादसा हुआ।
हरदोई के जिला कारागार में बंद एक बंदी ने अपने ऊपर ब्लेड से हमला कर खुदकुशी कर ली। बंदी दही इजेक्ट के मामले में साल 2020 से बंद था। बंदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना परिजनों को दी गई। इस मामले में बंदी रक्षक की लापरवाही की बात भी सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम अमेठी के आदेश पर प्रतापगढ़ जिले के शराब माफिया राजू सिंह की खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमेठी जिले में दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई हुई है। अमेठी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर अमेठी तहसील की एसडीएम और सीओ ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर कार्रवाई की। माफिया राजू सिंह की संपत्ति कुर्क हुई है। लगभग 1,46,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। श्रावस्ती में जिले में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तालाब की जमीन पर अवैध बने मकानों पर बुलडोजर चला, मकान धाराशाही कर हटवा दिया गया। अतिक्रमण उप जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई हुई है। हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने तालाब भूमि पर अतिक्रमण का शिकायत दी थी। दो दो बुलडोजर साथ चले, 100 मिनटों में दो मकान धराशाही कर दिए गए। आगरा में केंद्रीय कानून न्याय एवं विधि मंत्री का बयान सामने आया। महाराष्ट्र और राजस्थान की घटना को लेकर कहा कि देश संविधान से चलेगा, छुरा या गला रेत कर नहीं, ऐसे लोग सजा पाएं और जीवन बर्बाद करेंगे। हमारा पड़ोसी देश लोगों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण देता है, बाद में नफरत फैलाने का कार्य करता है, ऐसा कहते हुए नजर आए। दोनों घटनाएं बहुत निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, सभी लोगों को अपना धर्म पूजा पद्धति निभाने का अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से हिंसा अगर धर्म में आएगी तो देश की एकता और अखंडता टूटेगी। मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा, किसी को कोई परेशानी है किसी के स्टेटमेंट से वक्तव्य से, थानों में जा सकते हैं, अदालतों में जा सकते हैं, और संविधान और कानून से देश चलेगा। किसी के छुरे से और किसी के गले रेतने से देश नहीं चलेगा, ऐसे लोग सजा पाएंगे। नगर निगम द्वारा गृहकर बढ़ाए जाने को लेकर नगर महापौर ने निगम को फटकार लगाई है और आम जनता के ऊपर डाले जा रहे गृह बोझ को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि जो योजना अभी लागू नहीं हुई है तो आम जनता का गृह कर बढ़ाकर क्यों भेजा जा रहा है। वही पीड़ित भी गृह कर बढ़ाए जाने के मामले को लेकर महापौर के पास पहुंचे। सहारनपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को रिहा किया जाए। राजस्थान में सीएससी के लगभग 28,000 कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल महामारी के दौरान कार्य किया, उनको नियमित करने का वादा कर अब उन्हें कांग्रेस की सरकार द्वारा हटाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें नियमित किया जाए। आज प्रदर्शन इसलिए किया है कि हमारे जो मुखिया है भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखराज जी को परसों रात से राजस्थान सरकार ने गिरफ्तार किया था और दो दिन की जुडिशियल कस्टडी बता करके उन्हें जेल भेजने का काम किया। ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। इधर तो कांग्रेस दावा करती है कि क्या नाम जो है हम लोग भाजपा के विरोधी हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि एक नागनाथ है तो दूसरा सापनाथ है, दोनों एक काम कर रही है। आज इस देश में अगर पूरे इस देश में आज विपक्ष खत्म हो चुका है। विपक्ष की भूमिका भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक और प्रत्येक कार्यकर्ता निभा रहा है। यहाँ वो लोग चुप हो गए जिन लोगों ने आज तक इस समाज की ओटों को लेकर के इस देश में राज करने का काम किया, लेकिन आज जब बहुत संपूर्ण बहुजन समाज पर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ अगर कोई बोल रहा है तो है भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी प्रदेश से हो, किसी भी जिले से हो। सीतापुर में अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी समेत तीन की मौत हो गई, एक लड़की झुलस गई, परिवार में कोहराम मच गया। थाना रेउसा इलाके का पूरा मामला। निजी अस्पताल राधेकृष्ण अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से जच्चा और बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल कर्मी अस्पताल छोड़कर भाग गए। मृतक महिला के परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने जच्चा बच्चा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएमओ अवधेश यादव ने अस्पताल को सील किया। पीलीभीत में चेकिंग के दौरान बस में बैठे किशोर न्याय बोर्ड के स्टेनो ने कोतवाली के दीवान से मारपीट की। शराबी स्टेनो ने बस में जमकर दीवान को मारा। कोतवाल से पुलिस फोर्स ने पहुंचकर शराबी स्टेनो को पकड़ा है। नशे में तल्ली स्टेनो ने पुलिस को जमकर गाली गलौज किया है। पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र के आसपार रोड सिरसा चौराहे का पूरा मामला। प्रयागराज के कंधरिया थाना क्षेत्र के नौगावां ग्राम सभा के रहने वाले राजा राम कोटोरिया से किसी पुरानी विवाद के खुन्नस में गांव के ही रहने वाले श्याम बाबू आदिवासी फतेहपुर जिले में सेंट्रल जेल में तैनात पुलिस विभाग के द्वारा तैनात किया गया। वो गांव में छुट्टी पर आए हुए थे। राजा राम कोटियार के साथ कोई पुरानी बातों के खुन्नस को लेकर उनके दरवाजे पर जमकर मार पिटाई की है, गाली गलौज की है, साथ ही साथ यहाँ पर धमकी भी दी गई है। साजापुर में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। मोबाइल चोरी के शक में पुलिस ने एक बेकसूर सफाई कर्मचारी को चौकी में बंद कर डंडों से जमकर पीटा है। पुलिस की पिटाई से युवक को गंभीर चोटें आई। इस दौरान मोबाइल दूसरी दुकान से बरामद होने के बाद युवक को छोड़ दिया गया।
पुलिस और पिता की पिटाई से युवक परेशान हो गया और टावर पर चढ़ गया। उसका कहना है कि वो पिता की पिटाई से पुलिस की पिटाई से तंग आ चुका है। ऊपर चढ़कर नीचे कूदने की धमकी देता रहा। टावर की बड़ी संख्या में देखने वालों को जमावड़ा लगा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को नीचे उतारने की बात कही। लगभग 2.5 घंटे से टावर के ऊपर युवक चढ़ा रहा। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के गनपुरी गांव का बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।